मैं उम सिंह आलतीफ, राजस्थान टाइम्स। आज हम बात करते हैं राजस्थान की जनता के मूड की। क्या है मूड, क्या होने जा रहा है विधानसभा चुनाव 2018 में और लोकसभा चुनाव 2019 में। चुनाव दोनों साथ होंगे या नहीं होंगे अलग विषय है, इसका चर्चा का अलग विषय है, लेकिन जनता का क्या मूड है उस पर हम एक नया प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस प्रोग्राम में जिस तरीके से जनता के व्यूज आए हैं, सरप्राइज व्यूज हैं, आपको जानना बेहद जरूरी है कि क्या मूड है राजस्थान के विधानसभा चुनाव में और क्या मूड है लोकसभा चुनाव को लेकर। किसे वोट देना चाह रहे हैं, किसे पसंद कर रहे हैं, विधायक की प्रति किस तरीके का लोगों का एटीट्यूड है, इस सारी चीजें इस प्रोग्राम में आप सामने देख पाएंगे। तो हम प्रत्येक विधानसभा में चलेंगे। सबसे पहले जयपुर के नजदीकी विधानसभा को हमने चूज किया है। इस विधानसभा के चार गांवों का हमने विजिट किया है। हमारे संवाददाता को जब हमने इस रिपोर्ट कार्ड को लाने के लिए जब भेजा तो सरप्राइज के रूप में लोगों की पसंद जब सामने आई तो निश्चित रूप से आप सुनेंगे तो आप कहेंगे वाकई विश्वसनीय, आपके शब्दों से यही निकल कर आएगा। राजस्थान के जयपुर जिले से नजदीक बबरू विधानसभा, जिसमें संसदीय सचिव कैलाश वर्मा भाजपा से वहां पर एक विधायक है और संसदीय सचिव की जिम्मेदारी उनको दी गई है। चार गांव है बबरू विधानसभा के, भंभूरिया, महापुरा, छोटा बबरू और झायली। इन गांवों की पब्लिक का क्या रुख है ये देखना आपके लिए बेहद जरूरी। नमस्कार, मैं हिमांशु सोनी और आपका स्वागत हमारे खास कार्यक्रम जन की राय में। जन की राय में आज हमारा मुद्दा है कि राजस्थान में 2018 जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कौन बाजी मारता है, कांग्रेस या बीजेपी। और वहीं बात करें लोकसभा चुनाव में जो 2019 में होने जा रहे हैं उसमें लोगों का विश्वास क्या नरेंद्र मोदी पर अभी भी है या राहुल गांधी पर लोगों का विश्वास होने लगा है। आइए यहाँ की जनता से सीधी बात करते हैं। 2014 में जब इलेक्शन हुए थे केंद्र में, वो विश्वास अभी भी बरकरार है? बिल्कुल ही नहीं है साहब, नहीं है। तो राहुल गांधी आ सकते हैं? नहीं, सेंटर में आएगी मिली जुली सरकार, किसी भी स्थान में आएगी कांग्रेस। कांग्रेस क्यों, क्या कर रहे हैं? एंटीबायोटिक है, मैडम ने किया कुछ है नहीं, काम किया नहीं कुछ कहीं। दोबारा नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? देखो, नरेंद्र मोदी तो आएगा, ये तो आएगा केंद्र में, तो केंद्र में और चंद्रा है ये नहीं आएगी। चार साल में कुछ भी नहीं कराया, इसलिए इस जनता पार्टी के सींक लगा के और कुएं में पटक दो इसको, समझे नहीं। केंद्र और केंद्र में जरूर मोदी, समझे नहीं, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वसुंधरा है ना, ये है ना, इसने चौपट राजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टेकेजर बाजी टेकेजर खा। मेरे हिसाब से तो केंद्र में 2019 में नरेंद्र मोदी आएंगे। देखो, अभी राहुल गांधी तो क्या है, राजनीति सीख रहे हैं, वो गले लगा रहे हैं मोदी जी को जाके और आंख मार रहे हैं प्रिय प्रकाश की तरह, तो वो तो कहीं ना कहीं एक बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं। वह दशहरा 15 लाख दे दिया, ये दे दिया, यहाँ योजनाएँ कहता है कि ये योजना चलाऊँगा, भांखरोटा में जाके कहता है ये योजनाएँ करूँगा, 15 दिन बाद में कोई 50 तरह की योजनाएं बना दी कागज के ऊपर, फील्ड के ऊपर कुछ है नहीं। हम दावा नहीं करते हैं कि इन गांवों का जो लोगों का रुझान है पूरी विधानसभा का रुझान है, लेकिन कहीं ना कहीं सांकेतिक आप मान सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि विधानसभा का मूड क्या है। 100% ना माने, लेकिन आपके लिए एक सचेत है कि किस विधायक या किस जनता के प्रति क्या रुख है, जाना बेहद जरूरी है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपकी सलाह हमें नीचे इनबॉक्स में जाकर आप कमेंट में दे सकते हैं, आपके सुझाव बेहद जरूरी है। और राजस्थान टाइम्स इन किसी पब्लिक के व्यू का पूरी विधानसभा के रूप में दावे नहीं करते हैं, लेकिन टेस्ट के रूप में आप दे सकते हैं। अब इलेक्शन प्रचार करें हमारे साथ कुछ अलग अंदाज में। जी हाँ, पॉलिटिशियन एवं पार्टी की फोटो के साथ में प्रिंट करवाएं दुपट्टा, साड़ी, कैप, टी शर्ट, झंडे, बंधनवार, गाड़ी स्टीकर, बैच कार्ड, बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर्स आदि। इसी के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपर, पॉलिटिकल डिजिटल प्रमोशन, वेबसाइट डिजाइनिंग, प्रमोशन विद फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वॉइस मैसेजेस SEO, SMO, बल्क मैसेजेस, ईमेल सर्विसेज, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपनी पॉलिटिकल पब्लिसिटी करवाने के लिए संपर्क करें 9413219228।
कट्टर बीजेपी है पर हम कांग्रेस में जाएंगे। अब हमारे को परेशान कर दिया लोगों ने, जो GST लगा दी, नोटबंदी कर दी, बजरी बंद कर दी, गरीब आदमी बाशिया मर दिया तो संद्रा गई काम से। राहुल तो कोई राजनीति जानता नहीं है, फालतू की उठपटांग बातें करता है, तो उसको तो कोई प्रधानमंत्री की गिनती में ले ही नहीं सकता है। जनता की भावना यही है कि मोदी को ही लाना है इस देश को बचाने के लिए। ये कहता था भाई मैं 19 में कुछ फायदा करूंगा, 19 में कुछ फायदा करूंगा, तो 19 का फायदा देखना उसको हमको। तो सारी बजरी ताणी नहीं बंद कर दी जिन्हें आज 6 महीना 12 महीना ताया। अच्छा। बताणी कौन खुल पाई तो कहीं कर सके थे, कहीं मजदूरी कहीं कर ला, कहीं काम पेट भर ला, बताओ थे नहीं आएंगे। कारण यह है कि नोटबंदी, अरे ये चोटी सरकार है, मुंह से कुछ भी बोलो लेकिन अंदर है ना उनकी आत्मा में यही है कि देश को मोदी ही चला सकता है। वसुंधरा का कोई भरोसा नहीं है भाई अब की बार आ जाए। हाँ वादा किया था उन्होंने, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है वो उनसे काफ़ी उम्मीद थी कि इसी 5 साल के कार्यकाल में शायद राम मंदिर का मुहूर्त हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो उम्मीद भी नहीं छोड़ी है अभी लोगों ने। दमक नेता नहीं है कांग्रेस के मैंने जो आगाने पर प्रधानमंत्री बने शासन चला सके बंड जो दिल्ली के मेन दो मोदी से तो सही छे। जो काम अच्छा कराएगा उसी की आएगी सरकार। देखो नोटबंदी भी करवाई उसमें भ्रष्टाचार कम हुआ है। अच्छा, और दूसरा है GST से क्या है सबको ये सब चीज़ों की एक रेट हो गई हर जगह, कोई से भी राज्य में जाओ आप। कि मैं कट्टर कांग्रेसी आदमी हूँ। अच्छा, समझिए। लेकिन कांग्रेस में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसके काम को बिगाड़ने में इसके जो कार्यकर्ता हैं वो काम बिगाड़ दिया। नहीं, हम तो मोदी को चाहते हैं, मोदी को ही वोट देंगे। भ्रष्टाचार ही बढ़ गया, जब आठ तो बजरियाँ बंद है, सारा लेना देना थे नोट बंदे है कि सारा ही चल रहा है। कैसे रोजगार चार भी बताओ, सब बेरोजगार बैठे हैं। जी सरकार की उद्देश्य से केंद्र की उद्देश्य तो कहेंगे मोदी तो सही करे तो उन्हें मतलब जनता ही बिगाड़ लीजिए तो बिगाड़ लीजिए। राजस्थान में तो बीजेपी मुश्किल है। अच्छा था क्वेश्चन कि स्विस धन कितना हुआ, जेटली ने ये जवाब दिया कि स्विस बैंकों में इंडिया का दोना धन गया है। तो एक बताओ वहाँ तो अपन पैसा जमा करवाते हैं जब काटते हैं वो 1,000 रुपये कराओगे जमा तो उसका परसेंटेज उनका 25% है कि 10% है काटते हैं अंदर और राखी की चौकीदारी करने के लिए। अब ये बताओ कि यहाँ का वहाँ दूना धन हुआ है वो काढ़ा ही गया है, यहाँ बैंक देते हैं इंटरेस्ट वहाँ अपन देते हैं कटाते हैं, तो इसका मतलब चोरी का धन है, साहूकारी का धन होता तो यहाँ बैंकों में करवाओ जमा। राजस्थान सरकार को ये है कि मैडम है अहंकारी है, ये MLA को टाइम नहीं देती है, राजस्थान में स्पष्ट बहुमत इसको मिलेगा कांग्रेस। तो आपने देखा जिस तरीके से जनता की राय में राजस्थान को किसको सत्ता के शीर्ष पर बिठाना चाहती है और वही जनता केंद्र में किसको बिठाना चाह रही है। आप देखिए वाकई अविश्वसनीय, यूं कहे कि जादुई रूप से लोगों का रुझान है। एक वही वोटर जो केंद्र में किसी और को देना चाह रहा है, राज्य में किसी और को देना चाह रहा है, जबकि दोनों में एक सत्तासीन पार्टी की सरकार है, लोगों का रुख अलग अलग है, लेकिन केंद्र के कार्य को लेकर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं निश्चित रूप से। और कांग्रेसी के लिए गुड न्यूज है कि राजस्थान के बगल विधानसभा के 4 गांवों का रुख इस तरीके से है जो कांग्रेस का राजस्थान के दृष्टिकोण में अच्छा है लेकिन केंद्र के दृष्टिकोण में अभी भी पसंद मोदी है। तो निश्चित रूप से केंद्र के चुनाव पर कांग्रेस जब राजस्थान के चुनाव में जीतती है तो अपने सुधार कर सकती है। और राजस्थान टाइम्स का विशेष एपिसोड आपको कैसा लगा, आपकी राय बहुत जरूरी है। हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विधानसभा में, देखते हैं राजस्थान टाइम्स।